नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज तक आपने पढ़ा, वो कुछ लड़के बच्चे होंगे जो पढ़ लिए होंगे बहुत अच्छे से, कुछ बच्चे होंगे जो कुछ नहीं पढ़े होंगे। तो आज का ये वीडियो है कि जो पढ़े हैं वो भी देख लें, और जो कुछ नहीं पढ़े हैं वो तो डेफिनेटली देखेंगे ही देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बता देंगे कि 80+ आप एग्जाम में कैसे लेकर आओगे, 80+ कैसे आपको लेकर आओगे एकदम आसानी से, पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। मात्र 4-5 मिनट का वीडियो है, अंत तक देख लेना, अच्छे से देख लेना, एक एक पॉइंट को आप समझ जाओ, फिर आप उखाड़ दोगे एग्जाम में, एग्जाम में आप कवार कराओगे, ये मेरा वादा है। रिजल्ट के दिन आपसे मिलेंगे, ठीक है। ये आपका जो है सब, एक बात और, एक मिनट मेरी बात सुन लेना, कि जैसे ही आप एग्जाम से कल निकलोगे, आंसर की अपने चैनल पे अपलोड हो जाएगा, आंसर की अपने चैनल पे अपलोड हो जाएगा। जैसे एग्जाम से निकलोगे हम आंसर की लाइव जाकर सब कुछ ऑब्जेक्टिव सही सही आपका मिला देंगे। ऑब्जेक्टिव सही सही मिलाएंगे तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपको मिलेगा आप वहां पे टिक करते जाएं, जैसे 1A B C इस टाइप से आपको टिक करना है, इस टाइप से आप टिक करते जाना कि आप जब आओ और हमारे चैनल से जब मिलाओ तो आप सही सही पता चल जाएगा उस समय कि आप ऑब्जेक्टिव में कितना मार्क्स ला रहे हो। बाकी आज के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या करना है। देखिए एग्जाम में क्या है, एग्जाम में क्या है, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, 70 क्वेश्चन रहेंगे, 35 आपको मारना होगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आपको कंप्यूटर से चेक होता है, तो ऑब्जेक्टिव आपको 70 में कोई भी लड़का 35 मार ही देगा, यदि कुछ भी पढ़ा होगा तो 35 नहीं तो 25+ तो आसानी से मारेगा हर एक लड़का, हर एक लड़का 25+ यहाँ से ले आएगा, ये मुझे इस बार पता है। इस बार कोई भी ऐसा नहीं होगा, सिर्फ जो मॉडल सेट भी पढ़ के गया होगा 25 नंबर यहाँ से वो लेकर आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव का कोई ट्रिक तो है नहीं, कंप्यूटर से चेक होता है। बचा सब्जेक्टिव, बचा क्या, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव कितने का, 35 मार्क्स का, 35 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव बचा। इसमें हम ट्रिक लगाएंगे, और इसका ट्रिक यदि 35 में हम यहाँ पर 25 भी लेकर आएंगे तो हमारा हो जाएगा 80 के पास पहुँच जाएंगे, ठीक है, 80 के पास हम लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से आप 30 भी ले आओगे, यदि थोड़ा सा मेरी बात को आप समझोगे तो यहाँ पर 30 भी लेकर आओगे, क्या बात है। सबसे पहले आपका 2 मार्क्स का सवाल पूछेगा, 2 मार्क्स के कितने सवाल पूछते हैं, 20 सवाल पूछेंगे 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का 20 सवाल, जिसमें आपको 10 को बताना है, 10 का जवाब लिखना होगा। मान लिया जाए आपको 4 का आ रहा है, 4 क्वेश्चन आपको सॉलिड आ रहा है, और 20 सवाल में मिनिमम 4 क्वेश्चन ही आपको सॉलिड आ रहा है, 6 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, 6 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, क्या करना है, इन 6 क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, 6 क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्यों, मैं एक बात आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो सब्जेक्टिव चेक करते हैं वो टीचर्स चेक करते हैं, आपके टीचर्स, और टीचर्स को किस टाइप से मिलता है कि वो जितना कॉपी चेक करेंगे उतना उनको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में पैसा मिलता है, कि एक दिन गए तो इतना पैसा मिलेगा, नहीं, एक दिन में 10 कॉपी चेक करेंगे तो 10 कॉपी के बाद अब 10 रुपये कॉपी के हिसाब है तो उनको मिलेगा 100 रुपया, 20 रुपये कॉपी का हिसाब है तो मिलेगा 20 रुपये कॉपी, तो 10 कॉपी चेक करते हैं तो उनको मिलेगा 200। तब हम आपसे पूछते हैं कि आपको मैं ऐसा बता दें कि कॉपी चेक कीजिए, तो आप कैसा करेंगे, कैसे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करेंगे, तो आप नंबर कहाँ पे टीचर्स बैठाते हैं, नंबर आपको बैठाएंगे कि आप एग्ज़ाम में लिखें या नहीं लिखें। यदि खाली पेज आप छोड़ दोगे तो आपको नंबर वो कहाँ देगा, उस पर भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको इसमें जो 6 क्वेश्चन नहीं आता है, 6 क्वेश्चन में सबसे पहले जो भी आपको आता है, जो भी आपको हल्का फुल्का जो आता है, उसके बारे में आप यहाँ पर 3 से 4 लाइन में कुछ, सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के बाद 3-4 लाइन में उसके बारे में कुछ लिख दो,
कुछ भाई कुछ लिख दो उसके बारे में, उससे रिलेटेड या उस चैप्टर से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड भी कुछ ब कुछ, उस शब्द से रिलेटेड जो शब्द क्वेश्चन में पूछा गया है उस शब्द से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ एक आप चार लाइन लिख दो। ऐसा करो, छह नंबर, छह क्वेश्चन जो आपसे छूटा है यहाँ पे, हम अब आपको बताते हैं कि आप यहां पे 16 नंबर आसानी से लेकर आओगे। 16 नंबर जो चार बनाए उसका 8 नंबर, और इधर जो 6 बनाए उसमें डेढ़ नंबर भी जोड़ लो तो 9 नंबर, 9 8 17 डेढ़ नंबर 1.5 मार्क्स आपका हर एक में देगा। यदि आप लिखो जो भी उस शब्द के बारे में, उस चैप्टर के बारे में कुछ भी लिखे हो तो आपको डेढ़ मार्क्स देगा। कुछ भी लिखे हो डेढ़ मार्क्स से कम नहीं देगा। ऐसा खुद बिहार बोर्ड बोलता है कि लड़का कुछ भी यदि लिखे तो उसको डेढ़ मार्क्स दे दो। क्या करना है आपको, जो आता है सो बनाना है, जो नहीं आता है, जो नहीं आता है चार से पांच लाइन में, एक से दो लाइन में पहले क्वेश्चन ही लिख देना है, और बाकी का दो लाइन में जो इसके बारे में, इस उस शब्द के बारे में जो आप जानते हो यहां पर लिख दो, पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। ये आपका हो गया दो नंबर का। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसमें दो तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है फॉर्मूला, जिसको प्रूव करना होगा आपको, फॉर्मूला प्रूव करना होगा। तो यदि आपको लेंस फॉर्मूला याद नहीं है और आपको मिरर फॉर्मूला याद है, लेंस फॉर्मूला याद नहीं है, मिरर फॉर्मूला याद है, या कोई भी दूसरा भी फॉर्मूला याद है, वहाँ पर आ गया लेंस फॉर्मूला, आपको आ रहा है मिरर फॉर्मूला, आपको कुछ नहीं आता है, सबसे पहले आप वहाँ पर मिरर फॉर्मूला लिख दो। पूरा अच्छे से मिरर फॉर्मूला देखो, पाँच मार्क्स का यदि सवाल होगा मेरे दोस्त, 100% आपको चार मार्क्स मिलेगा, नहीं तो तीन में तो दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोकेगा। तीन मार्क्स में दुनिया का कोई, वहाँ पे टीचर्स क्या होते हैं, देखते हैं कि अच्छा लड़का बना रहा है, बनाया है, सीधे टिक कर दिए तीन मार्क्स, सीधे टिक कर दिए चार मार्क्स, इस टाइप से सवाल वहाँ पर पूछे जाते हैं। कॉपी चेक होता है, तीन मार्क्स यदि मिरर फॉर्मूला आया, उसके नीचे आया प्रूव करें, एक आता है उसके नीचे, एक आता है प्रूव करें, प्रूव, प्रूव करने में आपको जो आता है, आपको जो आता है प्रूव करने में, आपको जो आता है सो लिख दो। नीचे लिखना दिस इज प्रूव्ड, हैंस दिस इज प्रूव्ड, हैंस दिस इज प्रूव्ड, इस टाइप से लिखना, आपको यहाँ पे तीन मार्क्स के तीन मार्क्स पूरे अच्छे से मिलेंगे। लॉन्ग शॉर्ट में क्या करना है, तीन से चार लाइन में आपको जो आता है, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन को दो लाइन में लिख दो, उससे नहीं आता है क्वेश्चन को तीन लाइन में लिख दो, क्वेश्चन ही तीन लाइन में लिख दो, आपको नंबर मिल जाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आ रहा है, जिनको कुछ नहीं आता है, पर क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, कुछ भी लिखना है लिखना है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जो आपको आता है सबसे पहले लिख दो, फिर आपको नहीं आता है तो वहाँ पर क्वेश्चन का नाम दो, एक से दो लाइन में क्वेश्चन लिखो, तीसरा अक्षर में फिर क्वेश्चन को लिखो, और उसके बाद जो अपने इच्छा मन करे उस शब्द से रिलेटेड कुछ भी, कम से कम आधा पेज से ऊपर एक पेज तक यहाँ पर आपको लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, यदि ऑब्जेक्टिव, आप सबसे बड़ा टारगेट ऑब्जेक्टिव टारगेट कर लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में मेरे को 25 मार्क्स लेकर आना है, और यदि ऑब्जेक्टिव में 25 आप लेकर आते हो और जो मैं ऐसे बताया एक क्वेश्चन भी आप नहीं छोड़ते हो, और इस टाइप से आप यदि लिखते हो तो आप इधर 25 में 30 लेकर आ जाओगे, 55 उधर आपको मिल जाएगा, 25 80 किन्हीं को 27 भी मिलता होगा, किन्हीं को 28 भी मिलता होगा, किन्हीं को 30 भी मिलता होगा, तो 55 इधर से आपको, इधर 25 से 30 मार्क्स इधर से ले आओ, 30 मार्क्स इधर से आपका कोई नहीं रोकेगा। इस टाइप से यदि आप लिखते हो तो ये केमिस्ट्री पे भी लागू होगा, फिजिक्स पे भी, पॉलिटी पे भी लागू होगा, उस शब्द से रिलेटेड, बस उस शब्द से रिलेटेड आपको शब्द लिखना है, उस शब्द से रिलेटेड आपको शब्द लिखना है। ठीक है, यही आपका आज का ट्रिक था। कल आंसर की सबसे पहले अपने चैनल पर डालेंगे, तो चैनल को क्या करना है आपको, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है कि कल एग्जाम से निकलें और आंसर की मार दें। आपका काम क्या है, सिर्फ आपका काम है क्वेश्चन पर आंसर का टिक लगाकर आ जाना, टिक लगाकर आ जाना, टिक लगाकर आ जाओगे आप यहाँ पे, हम आपका मिलवा देंगे सही सही। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।